स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, एशियाई बाजारों की शुरुआत पर भी नजर डालेंगे, साथ ही साथ आगे आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट पर भी आगे चर्चा होगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी से तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, करीब 80 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है, तो इस यहाँ से तो एक गैप अप ओपनिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं आज निफ्टी के लिए भी। और अगर अन्य इंडाइसेस पर नजर डालें तो जापान के बाजार को छोड़ दें, जो कि कल ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने देखे, उसके बाद आज वहां पर मुनाफा वसूली है और 780 अंकों की गिरावट जापान के बाजार में देखने को मिल रही है। करेंसी में कुछ मजबूती आई है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इस वक्त निकाई 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन दूसरे इंडाइसेस देखेंगे तो हांगकांग 2% ऊपर है, कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन चीन के बाजार भी हरे निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर शुरुआती संकेत देखें गिफ्ट निफ्टी से तो अच्छे मिल रहे हैं, बाकी जो दूसरे एशियाई बाजार हैं वहां पर मिला जुला कारोबार आज के दिन हो रहा है। अन्य ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस के बाजार में हमने 7 दिनों की जो तेजी लगातार देख रहे थे नैसडैक और S&P 500 में, एक के बाद एक जो रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए दिख रहे थे वहां पर कल जाकर ब्रेक लगा और S&P 500 करीब 1% कमजोर, नैसडैक में भी करीब 2% की कमजोरी देखने को मिली। नैसडैक में 364 अंकों की गिरावट थी कल के दिन। 3 अप्रैल 2024 के बाद नैसडैक और S&P 500 में कल के दिन हमने देखा कि सबसे बड़ी गिरावट थी। एनवीडिया मेटा जैसे स्टॉक्स 4-5% टूटे। ये गिरावट इस वजह से दिख रही थी क्योंकि कल हमने कुछ सेक्टर रोटेशन भी होता हुआ देखा। यूएस सीपीआई के जो आंकड़े आए कल, ये एक बड़ा आंकड़ा था, वहां पर सरप्राइजिंगली गिरावट नजर आई है। अनुमान बढ़त का था, 0.1% का था, लेकिन एक गिरावट आई और काफी समय बाद हमने ये गिरावट देखी, तो 0.1% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। सालाना आधार पर भी देखेंगे तो अनुमान से बेहतर नंबर आए, 3.1% का अनुमान था, 3% के आसपास के आंकड़े सीपीआई में देखने को मिले हैं। और ये जो आंकड़े आए, यूएस महंगाई दर 3 साल के निचले स्तरों पर आ चुकी है, तो ये जो आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा कि जो टॉप टेक शेयरों में अभी तक बाइंग चल रही थी, क्योंकि नैसडैक और S&P 500 में जो हम एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे थे उसकी वजह यही थी कि कुछ चुनिंदा कंपनियों में बाइंग हो रही थी, लेकिन कल के बाद ये दोनों इंडाइसेस तो कमजोर थे और टेक शेयरों में हमने बिकवाली देखी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी ज्यादा मजबूती थी और निवेशकों का जो रुझान है वो स्मॉल कैप और हाउसिंग सेक्टर में काफी ज्यादा नजर आया, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की बात तेज हो चुकी है। एक तरफ जेरेम पॉवेल के बयान भी आए कुछ दिन पहले जिन्होंने ये संकेत दे दिए कि ज्यादा समय तक ब्याज दरों को हाई लेवल्स पर रखना ठीक नहीं होगा, और अभी महंगाई के आंकड़े आए तो अब सितंबर में दरों में कटौती की संभावना और ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसी वजह से जो जो सेक्टर है जैसे कि MSMEs हैं, हाउसिंग सेक्टर है, जिनको कि बढ़े हुए ब्याज दरों से अभी तक नुकसान हो रहा था, अगर ये चीज होती है तो इन कंपनियों को काफी फायदा होगा। तो कल के दिन हमने देखा कि निवेशकों का जो रुझान था वो स्मॉल कैप हाउसिंग कंपनियां यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला, और यूएस में स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.5% की बढ़त भी कल हमने देखी। ये जो आंकड़े आए और ये जो कुछ डेवलपमेंट हुए हैं अमेरिकी बाजारों में, उसका असर आज हम भारतीय बाजारों पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जो फोकस शिफ्ट हो गया है धीरे धीरे वो ब्याज दरों में कटौती पर, अब धीरे धीरे बाजार का फोकस वहां पर शिफ्ट होने लगा है। यूरोप के बाजार से भी संकेत ठीक ही हैं, तीनों के तीनों इंडेक्सेस पॉजिटिव बंद हुए, और कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में भी हम देखेंगे तो महंगाई के जो आंकड़े आए उसी का इम्पैक्ट कल हमने देखा। यूएस 10-ईयर यील्ड्स 4.21% पर है, थोड़ी नरमी वहां देखी। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी नरमी आई है, और जिस तरीके से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ चुकी है, सोना वापस से $2400 के स्तर के पार कारोबार कर रहा है, और कच्चे तेल में भी कल हमने तेजी देखी कटौती के उम्मीद से ही। तो कल हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ग्लोबली ये जो महंगाई के आंकड़े आए उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब देखना होगा आने वाले समय में फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, फेड चेयरमैन की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं, और आने वाले समय में भी जो भी इकोनॉमिक डेटा आएंगे उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो बहरहाल ग्लोबल संकेत ठीक ही हैं, वहाँ से कुछ कंसर्न्स नज़र नहीं आ रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि आज भारत में भी जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वो आज के दिन फोकस में रह सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और एफआईआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो कल के दिन कैश मार्केट में बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से 1137 करोड़ की, डीआईआईज ने कैश मार्केट में 1670 करोड़ की खरीदारी की, इंडेक्स फ्यूचर में 2180 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई और इंडेक्स ऑप्शन में भी बड़ी बिकवाली देखने को मिली, 65320 करोड़ की बिकवाली हुई है। कल भारतीय बाजारों में भी हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी नरमी के साथ ही थी, निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन कल एक्सपायरी का भी दिन था और हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई निफ्टी की वो निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर होकर बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि कल 24,200 के भी नीचे फिसल चुका था निफ्टी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी वहां पर आई और दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर मार्केट बंद हुई। अब आज के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे इसका पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कलरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए भारतीय बाजार कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा, देखिए कल भी पूजा हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि मार्केट के अंदर एक छोटा मोटा डिप आ सकता है जो कि रिक्वायर्ड है और वो हेल्दी डिप भी हो सकता है। तो आप देखो कल 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया था, ना केवल 52,000 को तोड़ा बल्कि 51,200 को भी तोड़ा और एक 800 को भी तोड़ दिया था। तो कहने का मेरे मतलब है कि बाजार थोड़ा हल्का है, शेलो है में, और थोड़ा हल्का सा पहले अनवाइंड हुआ, बाद में इसमें रिकवरी भी आई, थोड़ी सी फाइनल रिकवरी भी आई, जबकि कल एचडीएफसी बैंक का पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन कोई ना कोई बड़ा सेवियर मार्केट के पास अभी भी है तो वो मार्केट को अभी भी बचा रहा है प्रॉपर क्रैक होने से और वो अच्छा भी है। तो आपको जो छोटे छोटे टिप्स चाहिए वो आपको मार्केट के अंदर अब मिल रहे हैं। पहले तो एक तरफा मार्केट हो जाता था, आपने खुद से देखा हुआ है कि बाजार एक तरफा चलता है, मतलब वो टिप दे ही नहीं रहा था। अब तो कम से कम यह है कि इंट्राडे स्विंग पे 500 पॉइंट पे टूट जाता है बाजार, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के अंदर जो कि विजिबल हो गया और जो उसको रिवार्ड था। दूसरा पॉइंट, अब आपको ना लेवल्स के साथ ट्रेड करना होगा और ये बहुत ही डिसिप्लिन सेट अपना मार्केट बन जाएगा। अभी आप देखेंगे बिल्कुल एक डिसिप्लिन बॉय की तरह वो ट्रेड करेगा, वो सपोर्ट पे सपोर्ट देगा, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस देगा और उसने शुरू भी कर दिया। अगर आप चेक करेंगे तो 24,450 वाली जो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बनता है वहां से मल्टीपल टाइम्स ये फिसल के नीचे आया हुआ है और उसके बाद इसने 24,200 को और 24,000 को अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर आप चेक करेंगे तो इसने प्रीवियस लो कल 24,140 वाला उसको ब्रेक ही किया, तो ये बहुत ही डिसिप्लिन बाय की तरह है कि भी मैं अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करूंगा या इसमें पुश कर। तो जब भी आपको ऊपर मिले थोड़ा सा सेल कर दो, जब भी आपको डिप मिले उसके अंदर थोड़ा सा बाय कर दो, तो इस तरह की जो बीच का मोमेंटो है उसको आप खा सकते हैं। अदरवाइज मेरा अपना निजी तौर पर मानना है, वो डाटा भी यही बात कह रहा है कि आज 12 तारीख से लेके अगले 22 तारीख तक यानी कि टिल बजट तक इन डाइसेज में बड़ा पैसा नहीं बनेगा। द रीजन इज बीइंग इन डाइसेज में ऑलरेडी 78% की लॉन्ग होल्डिंग के साथ एफआई खड़े हुए हैं, उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक है, इतना खराब नहीं है और डीआईज का पार्टिसिपेशन भी है 33% तक का। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि उसके अंदर जगह नहीं है ज्यादा बड़ा मूव करने की और ज्यादा मूव गिराने की, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट मैक्रो डाटा और सारी बजट एक्सपेक्टेशन बाजार को गिरने नहीं देगी और वैल्यूएशन और मार्केट का जो स्ट्रेच है छोटे समय पे बहुत तेजी से चलना ही बाजार को चलने नहीं देगा। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी तरफ से खड़ी होंगे, तो इसलिए इंडाइसेस कुछ नहीं करेंगे। आप ना बहुत ही स्पेसिफिक होकर थेमेटिक या बहुत ही स्पेसिफिक होकर बजट ओरिएंटेड काम करो मार्केट के अंदर, वो ज्यादा अच्छा है। और पिछले कई दिन से हम आपको बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स ही बता रहे हैं, कल भी हमने एक शेयर रखा वो करीब 6-7% ऊपर चला गया, हमने कल शुगर स्टॉक्स के बारे में जिक्र किया कि देखिए शुगर को लेकर काफी बज है मार्केट में और मल्टीपल बज है, सिर्फ एक्सपोर्ट्स का बज नहीं है। तो वो कल देखिए कल ज्यादातर शुगर शेयर ना तो कल 10-15% ऊपर गए, तो आपको ना इसी तरह से थोड़ा थेमेटिक हो जाना है और थोड़ा बजट ओरिएंटेड काम करना है। इंडाइसेस में कोई मेजर प्ले आ जाएगा इसका मेरे को लगता नहीं है, ना ही उम्मीद है, ना ही डाटा अलाउ कर रहा है, और फॉल भी हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। मैं आपको दो लेवल बता देता हूँ फिर से री एंट्री करने के, निफ्टी पे री एंट्री करने या एंटर करने के जो लेवल है वो है 24,200 और 24,000। जब तक हम 24,000 के नीचे नहीं जाते मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बियर्स की ग्रिप मार्केट में बनेगी नहीं, ये एक स्प्रिंग की तरह है। आपको मेरे वर्ड भी याद होंगे त्रिपाठी, ये मार्केट एक स्प्रिंग की तरह, आप जितना दबाओगे वापस सबसे तेजी से ऊपर आएगा। कल यही आपने किया, कल बैंक निफ्टी को जोर से दबाया, बैंक निफ्टी सबसे तेजी से ऊपर आया, अब आपको मेरी वो बात ध्यान आ रही है। तो मार्केट स्टिल एक स्प्रिंग की तरह है, जब तक हम 52,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक बियर्स की ग्रिप नहीं आएगी मार्केट के अंदर, और जब तक हम 24,000 के नीचे क्लोजिंग लेंगे बियर्स की ग्रिप नहीं आएगी। तो
तो आपको यही चीज का बेनिफिट उठाना है, जब जब निकले तो दो एंट्री का लेवल बता रहा हूँ, 24,224 का एंटर कर जाओ, फुल बैक का फायदा ले लो, 300-400 का ही ले जाएगा निफ्टी आपको। सेम आपको 52,000 के जितना करीब आप खरीद पाओगे उतना बेहतर है, फिर 52,500, 52,700, 800 तक अपना प्रॉफिट बुक करके लीव द मार्केट कर जाओ। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेड करो। जो पुरानी जिनके पास पोजिशन है हमने उनको कई बार बताया, या तो अपने प्रॉफिट को बुक कर ले या जैसे उनको ठीक लगता वैसे करें। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव रहे, ध्यान रखें, ल्योर करेगा मार्केटर्स को, बट उनको ट्रेड नहीं लेना। ऑप्शन ट्रेडर्स जो भी काम करें सिर्फ और सिर्फ होल सोल इंट्राडे काम करें, बीटीएस की एक्टिविटी करने की ज्यादा जरूरत ना उठाए। 10 शेयर एफएनडब्ल्यू बैंड में एंजाइटी का लेवल अपने आप में काफी ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार पूरी तरह से फेयर वैल्यू है, ऐसा कोई महंगा और सस्ता कुछ नहीं। ठीक है, तो फेयर वैल्यू पे है बाजार, 10 शेयर्स एफएनयू बैंड में, एंट्री लेवल हमने आपको बता दिया है 24,200-24,000 के पास मिले, और बार बार हम देख रहे हैं कि बाजार उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करके वापस से रिकवरी कर रहा है। तो इस स्विंग को प्ले करने की कोशिश कीजिए। लेवल्स हम आपको बार बार यही दो लेवल्स बता रहे हैं निफ्टी के लिए, और एग्जैक्टली वही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से मार्केट में, 24,200 के पास आए, एंट्री ले लीजिए, एक रिकवरी आएगी, तो बाय ऑन डिप्स इन लेवल्स पर करिए। और बैंक निफ्टी के लिए 52,000 के पास मिले तब यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश कीजिए। जब तक इन दोनों के ऊपर है, ये जो लेवल्स हम बता रहे हैं उसके ऊपर है बाजार, तब तक बेयर या फिर शॉर्ट करने वाले अभी फिलहाल अवॉइड करें बाजार में ट्रेड करने के लिए। तो ये हैं आज के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार पर एक और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमन कपाड़िया जी मौजूद हैं। हिमन जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है आज मार्केट पर, कैसी ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से तो कुछ पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं, तो क्या नजरिया बन रहा है और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। निफ्टी 5-6 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं पूजा, रेंज पे है, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। बैंक निफ्टी में प्रेशर था, लेकिन लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, उसी को लेकर कल आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने रिकवर करके एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बाउंस आ सकता है निफ्टी से ज्यादा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में आता है तो इसकी पॉजिटिव इफेक्ट निफ्टी पे भी होगी, क्योंकि इंडसइंड बैंक वगैरह काफी ओवरसोल्ड है, तो इसमें भी रिकवरी की गिनती मान के चल सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो पहला कॉल रहेगा पूजा एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक 6 दिन की गिरावट है, और 7 दिन की गिरावट है, यहाँ पे इंट्राडे चार्ट से काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मैकेनिकल इंडिकेटर्स की क्रॉसओवर बाय आ चुकी है, यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद है। तो 1620 के आसपास की एंट्री, 1610 का स्टॉप लॉस और 1640 का टारगेट रहेगा पूजा एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि 1794 से लेकर ऑलमोस्ट 1600 तक काफी बड़ी गिरावट हुई है 7 ट्रेडिंग सेशन में, अभी बाउंस की उम्मीद है और लग रहा है कि एक डिसेंट सा बाउंस आने की तैयारी है। दूसरा स्टॉक जहां पे एक कॉल है वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन काफी दिनों से साइडवेज है, 5 हफ्ते, ये 5वां हफ्ता है, डेली चार्ट पे 55-day मूविंग एवरेज के ऊपर बन दिया है, इंडिकेटर सुधर रहे हैं, एक मिनी ब्रेकआउट की तैयारी में है, और ओवरऑल भी सेटअप 7 और 10 के ऊपर है। तो टाटा कम्युनिकेशन 1868 के आसपास की एंट्री, 1858 का स्टॉप लॉस और 1888 का टारगेट, ये छोटा टारगेट है लेकिन ये 1900 के ऊपर बन जाता है तो 1940 तक भी सरप्राइज कर सकता है, लेकिन वो पोजिशन व्यू रहेगा पूजा। ठीक है, थैंक यू हिमन जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक 1640 के होगा टारगेट, और 1610 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल सकती है, और टाटा कम्युनिकेशन में भी 1888 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। एक छोटे फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर और खबरों वाले शेयर्स पर, और कल बाजार बंद होने के बाद
TCS ने अपने नतीजे घोषित किए, तो आज TCS और बाकी IT कंपनियां भी फोकस में रह सकती है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि TCS के नतीजे कैसे रहे और उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए TCS के नंबर्स कैसे रहे? TCS के नतीजे जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे, अगर हम बात करें मार्जिन्स इनलाइन थे, लेकिन जो रेवेन्यू और पैट है ये जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 2.2% आई है, एक्सपेक्टेशन था कि ऑलमोस्ट वो 1.4% रहेगा। एट्रिशन जो है वो भी थोड़ा लोअर हुए सिक्वेंशियली, 12% पे आया है। और जो आपके जो टोटल डील साइज़ है वो लगभग $8.3 बिलियन के ऊपर लोअर एंड रेंज में है। ओवरऑल जो है ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड कर दिया, जेफरीज ने इसको बाय पे होल्ड था पहले, टारगेट प्राइस भी थोड़ा बढ़ा दिया है, 4030 से बढ़ा के 4615 कर दिया है। लार्जली इनलाइन कह रहे हैं कि ओवरऑल एस्टिमेट्स आए हैं। वही गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो EPS एस्टिमेट्स यहाँ पे 1% से बढ़ा है, और जो टारगेट प्राइस है 4470 का, पहले ये टारगेट प्राइस 4450 का था, रिमेन बाई है और 14% पोटेंशियल अपसाइड है। वही नोमुरा की बात करें तो उन्होंने भी जो है अगले 2 साल का जो EPS एस्टिमेट को बढ़ा दिया है, लगभग 1.2-1.5% तक जो है अच्छी ग्रोथ आई। तो ओवरऑल जो है ब्रोकरेजेस और नतीजे की अगर बात करें तो इनलाइन से लेकर स्लाइट बेटर नंबर्स ओवरऑल देखने मिले हैं, बट ऑफकोर्स पॉजिटिव मूवमेंट आज स्टॉक में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये हैं TCS और TCS पर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी कुछ निकल कर आई है। जेफरीज की तरफ से होल्ड से बढ़ाकर खरीदारी की राय यहाँ पर दे दी गई है, तो ये नंबर और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी फोकस में रहेंगी। शरद, इसके अलावा और कौन कौन से नतीजे हैं? आनंद राति वेल्थ भी फोकस में रहेगा, शानदार नतीजे आए हैं, AUM 60% बढ़ा साल दर साल, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी HNI ग्रोथ को लेके बहुत स्ट्रांग आई है। वही GTPL हाथवे की बात करें तो सारे आंकड़े जो है अनुमान से ख़राब आए हैं, और यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट 34% गिर चुका है। Q1 अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ अर्निंग्स के अलावा। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो लार्जली जो है आप कहेंगे स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एवरेज रियलाइजेशन 16% बढ़ा है, कलेक्शन भी 6% भागा है, बट स्टॉक में जो है तेज़ी हमने ऑलरेडी देखी हुई है तो थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। वही NCL इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो प्रोडक्शन और सेल्स दोनों में डीप आया है और वीक सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट आए हैं। तो ये आपके Q1 अपडेट्स हैं। ओके शरद, इसके अलावा और कौन कौन सी खबरें आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद? जी पूजा, खबरों वाले शेयर्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे पहले फोकस में रहेगा। उनको RBI अप्रूवल आ गई है, अब कंपनी का स्टेटस जो है NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस बैंगलोर में लगभग 400 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल का प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया है। वरुण बेवरेजेस को आप अपने रडार में ज़रूर रखिएगा, जो पेप्सिको का जो ग्लोबल कंपनी है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो जून क्वार्टर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अफ्रीका, मिडल ईस्ट और आपके साउथ एशिया में भारत का रहा है, और उन्होंने कहा है कि भारत का एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिला है। वही अगर कंपेयर करें ओवरऑल बेवरेज यूनिट की सारे सेगमेंट्स में लगे तो वहाँ पे सिर्फ 2% का ग्रोथ पॉजिटिव में आया है। तो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री ग्लोबल CEO ने भी बताया है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट को लेके। LT फूड्स भी अपने UK फैसिलिटी में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है, कैपेक्स लगभग 600 करोड़ का रहेगा, और कंपनी जो है अगले 5 साल में एक्सपेक्ट करें कि 1100 करोड़ का जो है इन्फ्लोज आ सकता है, यानी कि रेवेन्यू देखने मिल सकता है। RCF 515 करोड़ रुपये खर्च करेगी एनर्जी कंजम्पशन के लिए। वही आज़ाद इंजीनियरिंग को भी फोकस में रखेगा, 5 साल का बड़ा ऑर्डर आया है सीमेंस का, जो पेरेंट कंपनी AG जर्मनी की उनसे आया है, जहाँ पे गैस और थर्मल टर्बाइन इंजिन्स के कंपोनेंट्स वो सप्लाई करेंगे। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ को भी गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गई है उनके कमर्शियल कोल माइन जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है उसके लिए, और जी इंटरटेनमेंट में जो है फंड रेस की विचार होगी 16 जुलाई के बोर्ड मीट में। वोडाफोन आइडिया भी अपने फोकस में रखे, एजेंसी से रिपोर्ट आ रही है कि वो वेवर चाह रहे हैं 24,700 करोड़ की बैंक गारंटी का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ। याद रखिए जो पेमेंट है ड्यू पेमेंट वो अगले साल सितंबर में होने वाली है, तो वो वेवर जो है अभी वो मांग रहे हैं। और आखिर में एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है, स्पेशली जो LNT रेलवे स्टॉक्स या इंफ्रा स्टॉक्स जिनको अपना मिडल ईस्ट में एक्सपोजर बढ़ाना था और उसके कारण स्टॉक्स चले थे, यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि सऊदी के जो प्रिंस हैं उन्होंने कह रहे हैं कि जो उनके जो $1 ट्रिलियन जो मेकओवर है, बड़ी सी जो इंफ्रा अपग्रेड होने वाली है, वहाँ पे थोड़ी कटौती देखने मिल सकती है, और जो है फंडिंग जो आया है ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के वो अभी लोअर देन एक्सपेक्टेशंस रखा गया है। तो सऊदी अरेबिया जो है फॉरकास्ट करे कि जो बजट डिफिसिट से वो 2026 तक कम हो सकती है, तो इसका मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट और इंफ्रा की स्टोरी थी वहाँ पे थोड़ी सी प्रेशर आ सकती है ज़रूर, स्पेशली मिडल ईस्ट में। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर्स। थैंक यू शरद ये पूरा अपडेट देने के लिए।
अब चलते हैं गौरव के पास ब्रोकरेज रिपोर्ट जानने के लिए। गौरव बताइए, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ब्रोकरेज इसमें आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोमैटो के साथ, क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 260 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडस्ट्री की ग्रोथ की अगर बात करें तो कहीं पे 1% से बढ़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और इसी के साथ साथ अगर हम जोमैटो की बात करें तो कहीं पे जीएमवी जो है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, वहाँ पे उनका मानना यह है कि कहीं पे क्यूओक्यू ग्रोथ में हमें 9% का एक नंबर देखने को मिल सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये अपग्रेड किया है। अगली बात करते हैं वेदांता फैशन की, जहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने डाउनग्रेड किया है रेटिंग एड पे और टारगेट प्राइस भी कट करके 1150 रुपीस का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे वेडिंग सीजन जो था Q1 में थोड़ा वीक रहा था, और इसी के चलते कहीं पे परफॉर्मेंस जो है कंपनी का पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ में वो वीक देखने को मिल सकता है, सेकंड हाफ में थोड़ा रिकवरी देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है। अगली बात करते हैं एबीबी इंडिया की, जहाँ पे यूबीएस ने डाउनग्रेड किया है रेटिंग न्यूट्रल पे और टारगेट प्राइस बढ़ा के 9100 रुपीस पे रखा है। अगर हम बात करें उनके ओवरऑल व्यू की, तो उनका मानना यह है कि कहीं पे एबीबी इंडिया के साथ एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है इन्वेस्टर्स को इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में, बट इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़े वैल्यूएशंस के लिए कम रूम उनको देखने को मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, और इसी के चलते हुए उन्होंने जो रेटिंग है वो कट करके अभी एड न्यूट्रल रेटिंग पे किया है। अगली बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन किया है उनका ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया है 1770 रुपीज़ का। अगर हम बात करें कहीं पे प्री सेल नंबर्स की, तो कहीं पे इनलैंड सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। उनका मानना यह है कि कहीं पे Q1 थोड़ा वीक देखने को मिला था, यहाँ पे भी उनका मानना यह है कि कहीं पे H2 में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल के लिए कहीं पे जो Q1 है या फिर H1 है वो थोड़ा वीक देखने को मिल सकता है, बट आगे जाके आउटलुक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं फेडरल बैंक की, जहाँ पे UBS ने अपग्रेड है उनका रेटिंग बाय पे और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 250 रुपीस का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे आउटलुक जो है वो पूरा का पूरा काफी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी फेवरेबल है फेडरल बैंक के लिए, आगे जाके कहीं पे ROA एक्रीशन देखने को मिल सकता है, और जो न्यू CEO है इसके वजह से एक आगे जाके भी एक नया ग्रोथ हमें बैंक में देखने को मिल सकता है। अगर हम सभी फैक्टर्स की बात करें तो एक फेवरेबल फैक्टर्स बैंक के लिए चलेंगे, और इसीलिए आगे जाके रीरेटिंग भी देखने को मिल सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 250। थैंक यू गौरव ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड करें? देखिए गुड मॉर्निंग, कल हमने एक अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी, और गोल्ड इंटरनेशनली डोमेस्टिकली ऑलमोस्ट 5 हफ्ते के हाई पे आता हुआ दिखाई दिया है, तो मोमेंटम पॉजिटिव रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अक्रॉस द कमोडिटी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, तो पहले गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बनाए 72975 में, स्टॉप लॉस लगाए 72700 का, टारगेट 73600 तक हो सकता है। वहीं क्रूड के अंदर भी लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 6890 में, स्टॉप लॉस 6850 का, टारगेट 6980 तक हो सकता है। और अगर बेस मेटल की बात करें तो यहाँ भी हमने जिंक में अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है, तो जिंक में करीबन 273 में खरीदारी करें, 272 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 280-281 तक हो सकता है। तो गोल्ड क्रूड और जिंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आज खरीदारी की सलाह है जिंक में भी, क्रूड में भी और गोल्ड में भी 73600 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। थैंक यू अनुज जी आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए